हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मैंगो शेक बनाने की विधि के बारे में बताएंगे, जिसे हम बिना बिना जूसर मशीन के बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए इसे सबसे पहले छील लेते हैं। हम आम को छील लेते हैं सबसे पहले, इसको छील के सारे आम को रख लेते हैं एक साथ। फ्रेंड्स, हमने तीनों आम छील लिया है, अब इसे हम काट लेते हैं फटाफट। फटाफट से हम काट लेते हैं, काट के इसे हम पीसेस में अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट के। तो फ्रेंड्स, हमने आम को ऐसे पीसेस में काट लिया है, अब इसे हम बड़े कढ़ाई में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आम को हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं। इसमें हम कितना शुगर ऐड करेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून, और इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, लगभग 2 ग्लास। वाटर की जगह आप आइसक्रीम ऐड कर सकते हैं, बट हमने कोल्ड वाटर ऐड किया है। अब इसको हम इससे फोड़ेंगे पूरी तरह से, इसको छोटे छोटे पीसेस में ऐसे ही करके। फ्रेंड्स, इस 4 से 5 मिनट हमने ऐसे ऐसे किया, ये देखिए बिल्कुल मिक्सी के जैसा हो गया, जूसर मशीन के जैसा ही। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से चीनी और मैंगो मिक्स हो चुका है, और अब हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल मिक्सी के जैसा ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे हम अब सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आमरस को गिलास में सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आमरस बनाने की रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल इसका टेक्सचर ग्राइंडर मशीन जैसे ही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।